नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। खबरों का रुख कर लेते हैं। पंजाब में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का वक्त पास आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस की मुश्किलें अब कम होने की जगह बढ़ती हुई दिख रही हैं। अब तक राज्य में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच खटास की बात थी, लेकिन अब मामला बढ़कर हरीश रावत तक पहुंच गया है। हरीश रावत, जिन्हें कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब का प्रभारी बनाया था, अब नवजोत गुट उनके खिलाफ हो गया है। दरअसल कांग्रेस के विधायक और नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी परगट सिंह ने हरीश रावत को निशाने पर लिया है और सवाल दाग दिए हैं। दरअसल हरीश रावत ने कहा था कि 2022 में कांग्रेस पार्टी पंजाब में अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी, इस पर उनको घेरा जा रहा है। दरअसल गुरुवार को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कार्यक्रम में कहा था कि अगर उनको फैसले लेने के लिए खुली छूट नहीं मिलेगी तो वो ईंट से ईंट का जवाब देंगे, और ऐसे में सिद्धू के इस बयान को लेकर कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ बगावत जैसा माना गया है। लेकिन अब परगट सिंह ने कहा कि मुझे लगता है कि सिद्धू का बयान हरीश रावत के खिलाफ था और पार्टी हाईकमान के लिए नहीं है। तो ऐसे में पंजाब में अब जो है वो सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। सिद्धू के करीबी परगट सिंह का ये हरीश रावत पर बयान वार है, और ऐसे में अमरिंदर की अगुवाई में चुनाव लड़ने का उन्होंने कहा था, फैसला लिया था। अब जो है कांग्रेस पंजाब में जो है मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं, ऐसे ऐसे कांग्रेस में मुश्किलें कम होने की जगह बढ़ती हुई जा रही हैं। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, जी हां, दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब दिल्ली में 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं क्लास के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल दिए जाएंगे। जी हां, डीडीएमए ने स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए एक एसओपी भी जारी कर दी है। डीडीएमए ने कहा है कि क्लासरूम की सिटिंग क्षमता के अधिकतम 50% तक बच्चे एक बार में क्लासेस कर सकेंगे और हर क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अलग अलग समय का फॉर्मूला ही होगा। वहीं मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में स्कूलों में दोनों शिफ्टों के बीच काम कम से कम 1 घंटे का गैप भी रखा जाएगा, और ऐसे में बच्चों को अपना खाना, किताबें और अन्य स्टेशनरी का सामान एक दूसरे से साझा नहीं करने की सलाह भी देने के लिए कहा है। तो ऐसे में दिल्ली में अब जो है स्कूल खुलने वाले हैं और एसओपी भी जारी कर दी गई है। स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए जो एसओपी जारी की गई है वो ग्राफिक्स के जरिए चलिए हम आपको बता देते हैं। तो एसओपी में कहा गया है कि लंच ब्रेक को किसी ओपन एरिया में किसी अलग अलग समय पर रखने की सलाह दी गई है, ताकि एक समय में ज्यादा भीड़ यानी कि ज्यादा बच्चे इकट्ठे ना हो सके। वहीं सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह से किया जाए कि एक सीट छोड़कर दूसरा बच्चा दूसरी सीट पर बैठा नजर आए, यानी कि 2 सीट्स के बीच में गैप भी पूरी तरह से हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। वहीं बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए माता पिता की मंजूरी भी जरूरी है। कोई अभिभावक यदि अपने बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। ऐसे में कंटेनमेंट जोन में रहने वाले टीचर, स्टाफ या छात्र को स्कूल आने की इजाजत नहीं होगी, यानी कि जो कंटेनमेंट जोन है वहां से ना तो टीचर स्कूल आ सकेंगे ना ही बच्चे। साथ ही स्कूल परिसर में एक क्वारंटीन रूम भी बनाना अनिवार्य है, जहां जरूरत पड़ने पर किसी भी बच्चे या स्टाफ को रखा जा सकता है। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल के कॉमन एरिया की साफ सफाई नियमित तौर पर हो रही है या नहीं हो रही। वहीं शौचालय में भी साबुन और पानी का इंतजाम पूरा होना चाहिए। साथ ही स्कूल परिसर में थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर और मास्क की उपलब्धता भी होनी चाहिए, यानी कि ये वो तमाम चीजें हैं जो एसओपी में दी गई है, और एंट्री गेट पर थर्मल स्कैनर अनिवार्य होगा। वहीं बच्चों के साथ साथ स्टाफ के लिए भी मास्क पहनना जरूरी होगा, यानी कि मास्क हर किसी के लिए जरूरी है, और इससे अलग एंट्री गेट पर ही बच्चों के हाथ सैनिटाइज कराए जाएंगे। स्कूल में एंट्री बच्चों को तभी मिलेगी जब उनके हाथों को सैनिटाइज बाहर करा दिया जाएगा। वहीं हेड ऑफ स्कूल को एसएमसी मेंबर्स के साथ मीटिंग, कोविड प्रोटोकॉल प्लान और थर्मल स्कैनर, साबुन और सैनिटाइजर का ध्यान रखना होगा। वहीं लंच ब्रेक को किसी ओपन एरिया में या फिर अलग किसी जगह पर करने की सलाह दी गई है। तो ये वो चीजें थी जो एसओपी में जारी की गई हैं और एसओपी में रखी गई हैं। इन सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा, ये भी बातें मीटिंग में कही गई हैं, और ऐसे में इन्हीं सब प्रोटोकॉल्स का पालन कराया जाएगा और 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं के अब दिल्ली में स्कूल जो है वो खोल दिए जाएंगे। हालांकि देखिए, इस बात को लेकर
बीते कई दिनों से चर्चा चल रही थी और काफी बातें हो रही थी कि दिल्ली में स्कूल कब खोल दिए जाएं, और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर स्कूल जो है वो जुलाई से खोल दिए गए, कुछ राज्यों में अगस्त से खोल दिए गए थे। अब ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से ये फैसला नहीं लिया गया था कोई भी कि कब दिल्ली में स्कूल खोले जाए, लेकिन अब ये फैसला ले लिया गया है और इसीलिए अब कह दिया गया कि 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोल दिए जाएंगे और उसके साथ कोचिंग सेंटर कॉलेजेस को भी खोल दिया जाएगा, यानी कि जो सीनियर स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए पूरी तरह से स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन उनके साथ भी कोरोना प्रोटोकॉल्स का पूरा पालन कराया जाएगा और सिटिंग अरेंजमेंट उस तरह से किया जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरह से कराया जाए। वहीं अगर जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं उन लोगों को, ज़्यादा बच्चों को और पेरेंट्स को नहीं दबाव दिया जाएगा स्कूल आने का, और साथ ही साथ जो है बच्चों को स्कूल आने के लिए कहा नहीं जाएगा जिनके पेरेंट्स उन्हें अनुमति नहीं देते हैं। वहीं कंटेनमेंट जोन में रहने वाले टीचर हो, स्टाफ हो या फिर कोई भी बच्चा हो, वो स्कूल आने की उसे इजाजत नहीं होगी, यानी कि कंटेनमेंट जोन अगर आपका एरिया है तो आपको स्कूल नहीं जाना होगा। वहीं स्कूल परिसर में एक क्वारंटीन रूम भी बनाया जाएगा कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो उस क्वारंटीन रूम में बच्चे या फिर किसी भी स्टाफ को रखा जा सकता है। तो ये वो तमाम चीज़ें थी, तमाम बातें थी जो SOP में कही गई हैं, SOP में लिखा गया है और इनका पालन सभी को कराया जाएगा, सभी स्कूल प्रशासन को कराया जाएगा। वहीं स्कूलों में साफ सफाई की पूरी व्यवस्था रखी जाएगी, इंतज़ाम किया जाएगा और साथ ही स्कूल परिसर में थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर और मास्क की उपलब्धता भी होगी, साथ ही एंट्री गेट पर थर्मल स्कैनर अनिवार्य होगा और ऐसे में बता दें स्टाफ और बच्चों के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। वहीं एंट्री गेट पर ही बच्चों के हाथ भी सैनिटाइज कराए जाएंगे और इसके साथ ही बता दें हेड ऑफ स्कूल को SMC मेंबर्स के साथ मीटिंग, कोविड प्रोटोकॉल पालन और थर्मल स्कैनर, साबुन और सैनिटाइजर का भी इंतजाम कर लेने के लिए कहा गया है, यानी कि SOP में जो तमाम बातें कही गई हैं उनका पालन स्कूल की तरफ से कराया जाएगा और इन्हीं शर्तों पर स्कूल खोलने की इजाजत दी गई है। क्योंकि देखिए पिछले कुछ महीने की बात कर ली जाए तो दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के साथ जो हालात हुए थे वो सबने देखे थे और ऐसे में अब एक बार फिर से स्कूल जब खोल दिए गए हैं तो ये बहुत बड़ी चुनौती हर किसी के सामने है, क्योंकि बच्चों में कोरोना की जो तीसरी लहर है वो फैलने की सबसे ज्यादा आशंका है। तमाम स्टडी, तमाम रिपोर्ट्स में ये बातें सामने आ रही हैं। भारत में कोरोना संक्रमण का कहर एक बार फिर देखने को मिल रहा है। बीते दिन दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले भारत में ही सामने आए हैं। ऐसे में सोमवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़ा जारी किया गया है। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 42,909 नए कोरोना केस आए हैं, जबकि 380 कोरोना संक्रमितों की जान भी चली गई है। वहीं 24 घंटे में 34,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हो गए हैं, यानी कि कल 7,767 एक्टिव केस बढ़ गए हैं। ऐसे में एक रिपोर्ट के मुताबिक बता दें कि पिछले दिन भारत में सबसे ज्यादा कोरोना मामले आए हैं और अमेरिका में भी 37,000 मामले सामने आए थे और ब्रिटेन में भी 33,000 मामले सामने आए थे, ईरान में भी 31,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि जापान की बात कर ली जाए तो वो 22,000 मामले सामने आए हैं। हालांकि अगर कल रूस, मैक्सिको, ईरान, इंडोनेशिया की बात कर ली जाए तो वहां भारत से कम मौतें हुई है, यानी कि देखिए ये बहुत ही चिंता वाली बात है, चिंता वाली खबर है कि भारत में जो 24 घंटे में मामले सामने आए हैं, आज सुबह जो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आंकड़ा जारी किया गया है वो दुनिया में सबसे ज्यादा मामले भारत में ही सामने आए हैं, यानी कि कोरोना का जो खतरा है, कोरोना का जो संक्रमण है वो एक बार फिर से भारत में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मथुरा में आज श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम हर तरफ दिखाई दे रही है। चाहे ब्रज नगरी की सड़कें हो या मंदिर हो, हर और कान्हा के जन्मोत्सव की खुशियां छाई हुई हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर जब आज मंगला आरती के समय भगवान का पंचामृत से अभिषेक किया गया तो अभिषेक शुरू होते ही भक्तों में जोरदार उत्साह देखने को मिला, जहां पर हर भक्त राधे राधे किनारे लगाते हुए दिखा। आपको बता दें कि पंचामृत अभिषेक में सेवायत पुजारियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का दूध, दही, शहद, बूरा और घी से अभिषेक किया गया है।
समय मौजूद हूँ भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर, जहाँ पर आज अजन्मे का जन्म मनाया जाएगा, उसका उत्सव किया जा रहा है, जिसमें आज सवेरे अभी हमने आपको दिखाया कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान के अंदर जहाँ भागवत भवन में भगवान जी का अभिषेक किया गया है, मंगला आरती की गई है। जिस तरह से यहाँ पर मंगला आरती के लोगों ने, भक्तों ने दर्शन किए, उनका उत्साह देखते ही बनता है। हर तरफ राधे राधे की गूंज गूंजी हुई है, चाहे वो सड़क हो या जन्म स्थान, मंदिर हो या बाहर, हर तरफ भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम है। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर लोग बड़ी दूर दूर से आए भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पे आए हुए। जिस तरह से मैं बता दूँ, मंदिर में चारों तरफ भीड़ ही भक्तों के सैलाब है। और यहाँ मंदिर के ये जो एग्जिट गेट है, यहाँ पर भी बाकी लोगों की बहुत भीड़ है, बाहर से लोग बहुत सारे आए। और भगवान श्री कृष्ण का आज जन्मोत्सव यहाँ पे सभी लोग बड़े जोश और उल्लास के साथ मना रहे हैं, क्योंकि आज रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होगा। लेकिन उससे पहले भगवान जन्मोत्सव के धूम जो है वो मथुरा में देखने को मिली है। चारों तरफ राधे राधे के जयकार हो रही है। और उसके साथ ही कुछ लोग यहाँ आए, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से, कहाँ से आए हो भाई आप, कहाँ से आए आप लोग? आगरा। आगरा बहुत बढ़िया है, दर्शन कैसे हुए? बहुत बढ़िया। हाँ, किया। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। आप क्या कहेंगे, कहाँ से आए भाई? हम दतिया। आज ही अपने साथ ना ले जाए अथवा ठहरने के स्थान पर छोड़कर आए। का अच्छा लग रहा है और क्या? सुरक्षा की दृष्टि से बढ़िया से, क्या कहेंगे, भगवान के कर्मियों को अपना सहयोग। बहुत बढ़िया दर्शन हुए भगवान जी के, बहुत अच्छे। सामान के संबंध में टिकट वर्ग की नीले रंग की, नीले रंग की या एक एक नॉर्मल से, क्या कहेंगे, जैसे आज भगवान दर्शन दे रहे हैं भक्तों को, गेट नंबर 1 के निकट क्या बल भक्त है, क्योंकि भक्तों की इस समय जो श्रद्धा है, वो भाव है, वो अलग ही है, जिसको वो शब्दों में महसूस, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और जिसका नज़ारा आप साफ देख सकते हैं कि जन्म स्थान पर जो जन्म स्थान सचिव के द्वारा तैयारी की गई है, वो भी बड़ी मनोहारी है। जिस तरह से हरि निकुंज भव्य मंदिर में आज भगवान को जो है सजाया गया है, पीताम्बरी पहनाई गई है उनको, मोर पंख और दुपट्टे के साथ साथ उनका बड़ा मनोहारी दर्शन जो है यहाँ भक्तों को देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ मंदिर में जो सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं, उसको मैं आपको दिखा दूं। जिस तरह से यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, उनको सबको पहले चर्च और पढ़ने के बाद ही यहाँ मंदिर में घुसाया। हर तरफ पुलिस और पीएसी के साथ साथ बाकी जो अधिकारी हैं वो पोस्ट हैं, पूरी तरफ हर तरफ सुरक्षा का काफ़ी पुख्ता इंतजाम किया गया। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में आज भारत ने शानदार शुरुआत की है। जी हाँ, भारतीय पैरा एथलीटों ने एक गोल्ड समेत 4 मेडल अपने नाम कर लिए हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चारों मेडल विजेताओं को बधाई देते हुए इसे भारतीय खेलों के इतिहास का सुनहरा दिन बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आप सभी एथलीट की ये सफलता देश के लिए गर्व का पल है और कई लोग आपसे इंस्पायर भी होंगे। आपको बता दें कि आज पैरा शूटर अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में इवेंट में नया पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। इसके अलावा डिस्कस थ्रो में स्पर्धा में भी योगेश कठुनिया ने सिल्वर मेडल जीता और जेवलिन थ्रो में कैटेगरी में देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर तो सुंदर गुर्जर ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। वहीं पीएम मोदी ने अपनी लेखरा की सफलता को असाधारण बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि असाधारण प्रदर्शन, अपनी लेखरा आपको गोल्ड मेडल जीतने पर बहुत बहुत बधाई, आपने इस मेडल के लिए बहुत मेहनत की थी और आप इसे डिजर्व भी करती थी। साथ ही उन्होंने लिखा कि आपके मेहनती स्वभाव और शूटिंग के प्रति आपके जुनून से ही आपने ये सफलता हासिल की है। ये भारतीय खेलों के इतिहास का एक बेहद ही खास पल है, आगे भी आप इसी तरह देश का नाम रोशन करें और ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। वहीं बता दें, अवनी के गोल्ड मेडल जीतने के कुछ देर बाद ही योगेश कठुनिया ने डिस्कस थ्रो में भी स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीत लिया। पीएम मोदी ने योगेश की इस सफलता पर उन्हें बधाई देते हुए लिखा, योगेश कठुनिया का शानदार प्रदर्शन, हमें खुशी है कि आपने देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है। वहीं सुंदर गुर्जर के लिए भी पीएम मोदी ने ट्वीट किया और लिखा कि सुंदर गुर्जर के ब्रॉन्ज मेडल जीतने के साथ ही पूरा भारत भारतीय एथलीटों की सफलता का जश्न मना रहा है। सुंदर ने आज अपने अद्भुत साहस और समर्पण से देश का नाम रोशन किया है, आपको इस जीत के लिए बधाई हो।
यूपी के बाराबंकी में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कर रहे मीडिया कर्मियों की कथित रूप से पिटाई करने के आरोप में 18 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार को हुई इस घटना में 18 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वही SP बाराबंकी यमुना प्रसाद ने बताया है कि 4 लोगों को मीडिया कर्मियों की पिटाई के मामले में गिरफ्तार किया गया है, जो टीकाकरण अभियान को कवर कर रहे थे। आपको बता दें कि टीकाकरण अभियान में अवैध रूप से लाए गए टीकों का इस्तेमाल किया जा रहा था और पुलिस के मुताबिक जैतपुर थाना के मानपुर देहुआ गांव में टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर टीकाकरण के लिए कुल 150 ग्रामीण मौजूद थे। वहां टीकों का प्रशासन करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो श्रावस्ती जिले में तैनात हैं और वहीं से वैक्सीन लाए थे। इस मौके पर कोवैक्सीन की खाली और भरी शीशियां भी मिली। वहीं मीडिया ने जब टीकाकरण अभियान की रिकॉर्डिंग शुरू की तो स्वास्थ्य कर्मी और ग्रामीण भड़क गए। इसके बाद उन्होंने सभी मीडिया वालों को एक कमरे में बंद कर दिया और जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत में मीडिया कर्मियों ने आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट की गई और उनके कैमरे भी तोड़ दिए। किसने आपको वैक्सीन प्रोवाइड कराया? वहीं से लिया है, यहाँ लगाने के लिए। नहीं तो क्या मतलब, कोई वहाँ से कहाँ से लगाया? कहाँ से लेकर आए? कहाँ से लेकर आए? कौन मंगवाता है यहाँ पे? किसने मंगवाया आपके? मतलब आपको अधिकार किसने दिया वैक्सीन वहाँ से यहाँ लाने का? लगाने के लिए तो नहीं, वो सही है। तो कोई आप वैक्सीन कैसे लिया है? कितना वैक्सीन, कितने दिन से लगाया? कितने लोगों को लगाया यहाँ पे? 100 लोगों को लगा नहीं तो आप सरकारी कर्मचारी हैं, आप कैसे शराबस्ती से यहाँ कैसे लगा? कितने पैसे लिए वैक्सीन लगा? फ्री में लग रहे हैं, फ्री में लग रहे हैं। लेकिन पब्लिक डिमांड पे लगाने आए हैं। आप यहाँ पे श्रावस्ती से यहाँ क्यों लगवाने आए? यहाँ पे नहीं लग पा रहे थे। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश होने से संबंधित येलो अलर्ट जारी कर दिया है। जी हां, मध्य प्रदेश के 5 जिलों विदिशा, सागर, बैतूल, छिंदवाड़ा और बालाघाट में कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की संभावना है। ऐसे में भोपाल, जबलपुर, रीवा, शहडोल, होशंगाबाद, सागर और चंबल संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तराखंड और केरल में भी भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। ऐसे में केरल के 9 जिलों में रविवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। बता दें कोट्टायम, एर्नाकुलम और त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर जिलों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में अन्य सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही बता दें उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो बता दें लगातार मौसम विभाग जो है भारी बारिश की चेतावनी दे रहा है। हालांकि 2 से 3 दिन के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश हो, केरल हो, मध्य प्रदेश के 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि केरल में भी 9 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया था। और ऐसे में दिल्ली के लिए भी मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली NCR में भी 2 से 3 दिन बारिश का अनुमान है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं उत्तराखंड में भी भारी बारिश की मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है। आगरा के मनसुखपुरा थाना क्षेत्र में युवक ने पुलिस पर 3rd डिग्री देने का आरोप लगाया है, जिसके चलते पीड़ित युवक ने SSP आगरा से इसकी शिकायत की। युवक का कहना है कि पुलिस कर्फ्यू की तरफ से युवक से किसी आरोपी का नाम पूछा गया था। जब युवक ने नाम नहीं बताया तो युवक को पुलिस कर्मियों ने जबरन गाड़ी में बिठाया और विरोध करने पर पुलिस कर्मियों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। इसी के साथ युवक ने पुलिस पर अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगाया है।
वहीं पुलिस ने युवक की तरफ से लगाए गए आरोपों को बेबुनियादी बताया है और इसी के साथ ही पुलिस ने युवक पर अपने आरोपी चाचा को भगाने का भी आरोप लगाया है। चलिए बस्ती की खबर का रुख करेंगे। बस्ती के कोतवाली क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां प्रभारी निरीक्षक शिवकांत मिश्र और पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर झामडीह से कैली जाने वाली पुलिया के पास से 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 11 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 1 सफेद धातु की पायल और 4300 रुपये नकद और 260 रुपये की रेस गाड़ी के साथ कॉस्मेटिक का सामान भी बरामद किया है। बता दें, गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक शिवकांत मिश्र, रिजवान अली, अजय कुमार, जनार्दन प्रसाद और देवेंद्र यादव, संजय कुमार, जोगेंद्र यादव, रणविजय हरिप्रकाश, त्रिदेव तिवारी आदि शामिल थे। तो बता दें, बस्ती का पूरा मामला है, जहां पर शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है, साथ ही पुलिस ने इनके पास से चोरी किया हुआ सामान और नकदी भी बरामद की है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।